प्रदूषण की ये स्थिति लगातार बनी हुई है और अभी मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों तक बनी रहेगी। तो जहरीले स्मॉग से बचने का क्या उपाय है ये बता रहे हैं बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण, जरूर सुनिए। प्रदूषण जब फैले तो उस समय पर दो उपाय, या तो हम तत्काल प्रदूषण को दूर कर सकें ऐसे उपाय करें, अन्यथा अपने आप को मजबूत करें। तो अपने को मजबूत करने के लिए हम प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए जैसे ज्यादा प्रदूषण है तो घर के अंदर भी बैठ करके कर सकते हैं। लंबे लंबे लंबा और गहरा सांस लें, विशेष करके अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम, दो प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को भी कराएं, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होगी और कोई ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त सर्दी जुकाम वगैरह से बचें, क्योंकि एलर्जी होने की बहुत संभावना रहती है। घर में जैसे तुलसी के पत्ते हों, काली मिर्च हो, लौंग हो या अदरक हो, इनको उबाल करके सुबह शाम काढ़ा दे सकते हैं। और दूसरा अच्छा सा उपाय ये है कि अदरक को थोड़ा पानी में उबाल करके और थोड़ा गर्म रहते गुनगुने गर्म में थोड़ा शहद मिला करके भी पिए, उससे पूरा गला साफ रहेगा और पूरी जो गंदगी अंदर जाएगी तो वो शरीर के अंदर टॉक्सिक नहीं बन पाएगा। उससे घर के आसपास में, चाहे घर में कम भी जगह हो, गमले में आप तुलसी के पौधे लगाएं। जितना आप तुलसी लगाएंगे उससे आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है घर के आसपास के वातावरण का वो बढ़ेगा और प्रदूषण कम होगा।